हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ चटनी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खट्टी मीठी चटनी होती है, समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, सबके साथ खा सकते हो उसे, और वह फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो काफ़ी हेल्थफुल होने वाली है आपके लिए ये रेसिपी। तो चलिए चलते हैं किचन में। हम आ गए हैं किचन में। तो मैंने लिया है आमचूर पाउडर, इसे इसमें पानी डाल के भिगोना है इसे 5 मिनट के लिए। और मैंने लिए हींग, और मैंने लिया है गुड़ डालने के लिए, और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा लिया है मैंने गरम मसाला, स्वादा अनुसार नमक, और मैंने लिया है धनिया पाउडर, ये मैंने ली है पिसी हुई सौंठ कुछ 2 चम्मच, और बनाने के लिए ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। कढ़ाई को मैंने रख दिया है गैस पे, और मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। जो अमचूर पाउडर दिखाया था मैंने, उसमें मैंने पानी मिला लिया है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हींग, और ये जो मैंने घोल के रखा है आमचूर पाउडर का घोल बनाया है वो डालेंगे। कढ़ाई में मैंने हींग और जो मैंने घोल बनाया था वो डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे गुड़ और सारे मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, इसमें गुड़ भी मेल्ट हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है। अब इसमें थोड़ी देर उबाली लेंगे इसे, फिर हमारी चटनी तैयार है। हमारी चटनी बनके तैयार है, देख सकते हैं आप। मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।